बेटा इधर आ, इधर आ। ये क्या किया तूने अपने मुंह को? क्या हुआ? हाँ देख दोनों जो तुमने तो बोला था गाड़ी भी खड़ी करनी है। कर दे खड़ी गाड़ी। देख लो अगर ऐसे लाओ कढ़ाई हो। देख लो जो तुम्हें ठीक लगता है। अगर इधर ठीक है उधर नजर मार लो। ठीक है तो क्यों? तुम सुबह कब गए थे? अच्छा नहीं भाई किसी और ने भी की हुई थी खड़ी। अच्छा यहाँ पे खड़े हो जाते हैं साइड में। आ जाओ क्या हुआ क्या बोल रही है? हम जा रहे हैं अभी रिच पे और उधर लिफ्ट के लिए टिकट वहाँ जा रहे हैं टिकट लेने। इसके ऊपर भी है और लोग इसके ऊपर भी है और क्या छोड़ था ना जरा शिमला का गंदा नाला और सामने होटल्स हैं और चिराग वो भी ये अपनी कॉटन कैंडी खा रही है। चिराग नहीं फेंकनी इरा अनजान जब मेरा भाई वही है वही वही नहीं नो कर क्या करना क्या हो गया तुम्हें आज फिर क्या हो गया तुम ऐसे अनजान जैसे बिहेव क्यों कर रहे हो? दो हमारी चिट्टे नीचे खराब कर दो चलो अभी गो 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 चलो 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 चल पड़ो चलो चलो कोई नहीं लेगा आपकी कॉटन कैंडी खिड़ी कर दिया खाए क्या कर रही है इसका हाथ पकड़ना चिराग नहीं बेटा पापा का एडू पकड़ लो आप। हाँ नीनू बड़े दिनों बाद आई तू अपने घर कैसा लग रहा है तुझे? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो घर वाली भी नहीं आती है लेकिन मैं तुम्हें देख के आई हूं इतना अनजान बने हुए हो। ओ देख मेरी ब्रांच भी आ गई यार यहां भी करवा लो अपनी ट्रांसफर यार फिर तुम पैदल आएगा नहीं तो अब नीनू पहली दुकान से हो जाएगी खरीदने तो क्या आया तो नहीं कुछ पसंद पहली दुकान में पहले हां हो जाना जब पैदल मैं नहीं जाना रोप वे तो तू चली जाना मैं तुम्हें पकड़ लूंगा ऊपर ठीक है मैं नहीं जा सकता यार मुझे डर लगा देते मौसम पता नहीं लग रहा भाई ठंडी की धुप्पा की ऐसे टी शर्ट पहन के भी हम आ सकते थे यार सकते
थे लेकिन कल का दिन भी रुकना ऑलरेडी जुकाम है और बीमार हो गया तो क्यों थोड़ा ये चश्मा ओ बेबी आपकी कॉटन कैंडी देख रहा था है ना देखने तो है चली आओ ना दे रहा उठाओ उठाओ नहीं चलो पापा कहाँ गए तेरे पापा के पास चल पहले पापा देख आपकी ये भी गिर गया रुक जा पापा के पास हैंड वॉश इधर आ वो देखो उधर चलो सामने इधर आ आप तो हाथ पीछे करो दो अपने हाथ बस चल ओवो पहले ना हम ऊपर जाते हैं टेंपल ठीक है उसके बाद बेटू फिर बहुत धूप आ जाएगी तेरे पापा कहाँ गए पहले तो पापा को ढूंढ तेरे पापा तो गायब ही हो गए नहीं मम्मा बैठेगी ऐसा नहीं होता यार चिराग अब तुम्हारी टर्न है चलो यार या तो मैं बैठी तो थी अब मैं क्या बैठती रहूंगी तो घोड़े पे क्या हुआ बच्चे नहीं है बच्चों के साथ बैठना पड़ता है बड़ा कुछ करना पड़ता है तो अब वो लेके जा रही है अपने पापा को हॉर्स पे बैठने के लिए एक्चुअली जब हम लास्ट टाइम आए थे ना मतलब पीछे साल आए थे तो मैं बैठी थी अब चिराग की डर तुमने ऐसा ही बोला था तुमने काला चश्मा भी नहीं लाया हूं चिराग घोड़े बढ़ किया ना काले चश्मे देखने अब चुप करके जाओ शर्म आती है बस वो देखने लग रहा है रो मत जा रहे हैं पापा चिराग अभी घोड़े पे बैठे हैं ओबू के साथ और पूरा एंजॉय कर रहे हैं एक्चुअली ना पिछली बार चिराग ने मुझे बोला था कि जब हम अगली बार आएंगे ना तो मैं बैठूंगा तो इस बार चिराग गए ये नीचे लकड़ बाजार के लिए रास्ता और ये ऊपर जाखू टेंपल के लिए चिराग ने इतनी जिद की ना चिराग की वजह से हमें पैदल चलना पड़ रहा है ओले ओह नो दौड़े हुए थे इनका इन गोवल गिर गई मुझे तो लगता है ये बिल्कुल भी नीचे लगी थी पूरा रास्ता ऐसा ही है और चिराग ने तो मुसीबत ले ली साथ में मैं भी चल पड़ी हूँ ये लड़का खुद तो कभी गए नहीं है जाखू टेंपल पिछली बार भी मैं रोबे में लेके गई थी और इस बार नहीं माने कि मैं पैदल ही आने और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है यहाँ पे और यार मेरी तो अभी अभी स्टार्टिंग हुई है बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है ना चलो यार चलते हैं अब और अंदर मैंने ये वाली टी शर्ट पहनी है रेड कलर की और बाहर से ये जैकेट है जो कि बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लग रही है क्योंकि गर्मी लग रही है अभी तुम भी थक गए हो वो पूरा रास्ता खुद चल के जा रही है वो भी थक नहीं रहे हो
बहुत स्टेमिना है घूमने में। तो यार मैं ना फ़ोन बंद कर देती हूँ, यार बहुत बंदर है, कल मेरा फ़ोन ले लिया ना। चल भाई ट्रैकर, ये क्या हो गया तेरे को? लोगों को टांगों में होती है, वो भी आप भी थक गए। भूख लगी मंकी को, मिंजू भी लगी है। हम जाने आ चैनल को देखते हैं। यार शिमला आके दूध के साथ जलेबी ना खाई और चने भटूरे ना खाए तो क्या फायदा? ऐसा करेंगे पहले चने भटूरे खाएंगे फिर दूध के साथ जलेबी। हाँ मोमोज भी बहुत टेस्टी मिलते हैं, मोमोज जाते टाइम खा लेंगे। यहाँ पे ना मेरी एक फेवरेट जगह है पूरी से उस साइड वाले जो वो नहीं है एडवांस स्टडी वाला रास्ता नहीं है, अपने फ्रेंड्स के साथ ही अर्थ पूछा दी यार क्या है यार सब जाते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चिराग देखो क्या कर रहे हो तुम, चिन्हो लगा देना आपको खुद करो घूम रहा सबके फ्रेंड्स होते हैं। फाइनली हम पहुंच गए, बस ये ऊपर मंदिर का रास्ता है। अब तक मैं तीसरी बार पैदल आई हूँ यहाँ पे, तीसरी बार, वैसे बचपन में तो बहुत आई थी लेकिन याद नहीं है कितनी बार आई हूँ, बड़े होके तीन बार आई हूँ। थक गई यार। चलो तो ये है हमारी मंदिर और हम फाइनली पहुंच गए, बहुत थक गए। हाँ जी क्या हो गया? ये क्या है? चलो बेटा ओ भी ठंड तो नहीं लगी बेटा? टॉयलेट तो नहीं आया? सुसु आया? आया तो कर लो बेटी यहाँ पे, यह नहीं तो कर लो क्या ना। चल आगे बैठते हैं अब। चलो चलो हाँ जी, कहाँ जा रहे हो? मैं पकड़ूंगी बेटा, प्लीज गिर गया तो। चलो ऊपर चलो आप, हम अभी टेंपल के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे हमने प्रसाद और ये सामान ले लिया है। चिराग वो सामान कहाँ डाला तुमने? दे दो मेरे पास दे दो। आज टेंपल में काफी ज्यादा भीड़ थी और यहाँ पे फोटो और वीडियोस ये अलाउ नहीं था, इसलिए आगे जाके मैं नहीं बना पाई, पीछे से जितना मुझसे बनी उतनी मैंने। अभी हम यहाँ पे भंडारा खाने आए, यहाँ पे लंगर भी लगता है, हमें पता नहीं था, हमें आज पता लगा, तो बस अभी हम लंगर खा लेते हैं। पकड़ना चिराग ये पानी गिराएगी। यहाँ पे ये जो लंगर का सिस्टम था ना, सीरियसली मुझे बहुत पसंद आया। थोड़े थोड़े चावल दे रहे थे सब्जी के अकॉर्डिंग, उसके बाद जब दूसरी सब्जी आती थी तो जिसको चावल चाहिए थे या जिसको और ज़्यादा भूख थी वो लेता जा रहा था। ये नहीं था कि एक साथ इकट्ठा डाल दिया, फिर लोग जूठा छोड़ देते ना तो इतनी वेस्टेज हो जाती है अनाज की। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा और खाने में भी 4-5 वेराइटीज़ थी, खट्टा था, दाल थी, कड़ी थी, मीठा था और बहुत टेस्टी था।
ये मंदिर के बाहर का एरिया है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुला खुला है ना, और ग्रीनरी भी बहुत थी, साइड में काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स लगाए हुए थे और काफ़ी शांत है यार। एक तो बंदा इतना थक के इतना मतलब चढ़ाई चढ़ के आया और ऊपर से ऐसी जगह मिल जाए आराम करने के लिए, तब तो बात ही क्या है, सारी थकान मिट जाती। बेटा देखो कितने प्यारे फूल हैं, आप ऐसे देखो, ओ भी मत करो, तोड़ते नहीं है, चलो आगे, एक मिल गया ना आपको, बहुत है। तो जा रहे हैं ना, दो मिनट तो रुक जा, बस अब आप खेलना उधर, हम बैठ जाएंगे, आप खेल लेना, ठीक है। देख देखो भी, देयर इज समथिंग फिशी, हमने दर्शन कर लिए, पेट पूजा कर ली, अब थोड़ा सा 10 मिनट यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं वेदर को। यहाँ कितना सही होता है शिमला का वेदर, मतलब इतनी धूप निकली हुई है, गर्मी नहीं लग रही है, ठंड और गर्मी दोनों मिक्स है। तो चलो अब हम वॉक कर रहे हैं यहाँ पे, देखते हैं इधर और क्या है, इतनी बार आए लेकिन इस साइड नहीं आए कभी। नीचे कैमल राइड करवाते हैं और इस साइड कैफे है, हम यहाँ से भी तो उतर सकते हैं नीचे, चिराग यहाँ से फिर से ऊपर चढ़ना पड़ेगा, इससे नीचे अगर ना हुई जाने को फिर से चढ़ना पड़ेगा। तुमने करनी है कैमल राइड, करनी है ना? ना मैं कर ली हॉर्स राइड, वही बहुत है मेरे लिए। वो मंकी, वो भगवान, वो भी तुम आ जाओ पीछे मेरे, आ जा आ जा, ये बंदर हमें ऐसे देख रहा था, अगर हम थोड़ी देर और रुकते तो पक्का मेरा फोन ले सकता था, ये तो बहुत बहुत खतरनाक, और पूरा हमें ही देख रहा है घूर के, है ना, बहुत ही ज्यादा खतरनाक। यहाँ पे लग गई इसको भी चोटी, कोई बात नहीं, हो गया ठीक, अब तो मेरे हाथ में ही दे दो तुम। तो चलो यार चलते हैं, दर्शन हो गए, पेट पूजा हो गई, फोटो हो गए, सब कुछ। ओबू भी रोली, ओबू को बिच्छू बुट्टी लग गई, क्या हो गया तेरे को, रो क्यों रही है? वो देखो चिराग अभी इसको डांट रहे हैं, आ जा मेरा मुन्नू, आ जा तू, आ जा था, आ जा आ जा। देखो गाइस यहाँ पे बिच्छू बुट्टी लग गई क्योंकि ये फ्लावर्स तोड़ रही थी, तो इसको गॉड ने पनिश कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, गॉड ने ना इसको ठीक भी कर दिया, अब तो ठीक हो गया ना मेरा मुन्नू। यहाँ पे हमने एक और कुछ पता नहीं क्या नाम होता है उस बूटी का, वो लगाई और देखो इसका हाथ येलो येलो हो गया। ये बिच्छू बूटी होती है, ये ओबू को लग गई अभी, 108 फुट ऊंची है ये मूर्ति, ओ यार नज़दीक से तो इतनी बड़ी लगती है ना। ये हनुमान जी की पूंछ, मंदिर के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही ना यहाँ पे बच्चों के लिए बनाया हुआ है, अगर हाँ बच्चे प्ले करना चाहें तो यहाँ पे प्ले भी कर सकते हैं, और काफ़ी नीट एंड क्लीन था, और सही भी है यार, इतना वॉक करके आओ और फिर बच्चे परेशान हो जाते हैं ना, तो कम से कम इसको देख के बच्चे थोड़े से खुश हो जाएंगे, खेल भी लेंगे। मंदिर से वापस आते ही हम सबसे पहले चने भटूरे खाने चले गए, और हमें हंसी इसलिए आ रही थी क्योंकि भटूरे हमारे मुँह के आगे रख दिए थे और चने वो ला नहीं रहे थे। तो ये हैं शिमला के स्पेशल चने भटूरे विद लस्सी, मेरे पेट में ना इतनी सी जगह नहीं है और मैं चने भटूरे ले लिए, खूब मोटे होके जाना चिराग, खूब मोटे होके भाई, चलने भी इतना है, हाँ यार चले तो बहुत है, लेकिन मेरे को भूख बिल्कुल भी नहीं है, चलो खा लेते। ये चटनी, अचार, ये हमारे छोले, ये भटूरे, चिराग का पेट अभी तक नहीं भरा है, अब चिराग खा रहे हैं दूध जलेबी, तुम आगे दूध जलेबी ना खाई तो क्या खाया, मैं देती हूँ, मेरा पेट, मैं थक चुकी हूँ और मेरा पेट भी बहुत भर चुका है इसलिए मैं नहीं खा रही हूँ, और वो अपनी बड़ी हुई है इधर, क्या चाहिए बता दीजिए,
देखो किसमें है दूध यार। तुम क्यों हंस रहे हो मुझे तब से? कुछ पूछ नहीं चली रही कहीं बोला ही शिमला मेरा घर नहीं तो मैं और इतनी तो क्या है रे पूछ ले जे आगे जेते जाना। चिराग मेरा इतना मजाक उड़ा रहे हैं ना कि पूछ पूछ नहीं जग रही है भाई जमाने हो ही रहे आई रे जब पूछ लिया था क्या हो गया सीधा बस स्टैंड पे निकलेंगे हम नीचे कामान लग रहा है ना यहाँ पे मैं गाइड कर रही हूँ मैं चिराग को गाइड कर रही हूँ इसने अब साइड में बिठा दिया इसलिए तू इस साइड आ मुनिया पुनी ने इस साइड आता बैठा तो आज इसने बस रोक लिया और खुद ही गाइड किया पहली बार था कोई जिम्मेदार काम किया था नहीं बस ढूंढी सीट बुक की हमारे लिए बस वो भी दम जो लगा पहली बार ही भाई वो अच्छा लग रहा है आपको बस अच्छी लग रही है तो किचन ही संभाल लिया शिमला के शाबाश यहाँ पे है जोमेटो जोमोटो सब कुछ है तुम नहीं चले मैगी लेने यहाँ आते हैं छोड़ने डिलीवरी करते हैं यहाँ पे क्यों तेरे को पता तो है तू शिमला गर्ल है विकास नगर खलीनी पंथा घाटी पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है यार क्या बना रही है पुलाव लगी बनाना हो मुझे भूख लगी बहुत भारी वाओ मुझे इतने दिसमान नहीं लगा यार मेरे को ऐसा सिंक ना बड़ा भारी अच्छा लगता है बड़ा प्यारा मामू क्योंकि इस सिंक में ना पानी नहीं आता बाहर देखिए कितना नीचे है इसमें तो मतलब महीने के बर्तन आ जाएंगे अगर महीना नहीं धोया जाऊंगा जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे मैं सोचा था घूमने आए हैं खाना खुना कुछ नहीं बनाऊंगी पूरी तैयारी कर ली कि अभी मैगी बनाऊंगी और सैंडविच वो खाएगी होगी क्योंकि बाहर से खाना खा के आए थे हमें तो भूख थी नहीं लेकिन वो मैगी चूहे ने खाया हुआ कल चिराग तुम ऐसे ही लेके आ गए यार वो मैगी देखी भी नहीं मैं लेके आया हूँ वो तुम ही लेके आए हो दोनों मैगी अच्छा मैंने खरीदी होती तुम देखती ना और वो खाना बनाने पड़ रहा है यार क्या छुट्टियाँ हुई मेरी हाँ बिट्टू आप क्या कर रहे हो उठा ले बिल्कुल गंद नहीं डालना है और जो भी गंद दिखे वो डस्टबिन में डालना है वो है वहां पे